नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो शुभारंभ करते हैं, कर्क राशि 1 से 7 दिसंबर 2018 की भविष्यवाणी, राशिफल क्या कहेगा इस सप्ताह का, आपका क्या कुछ शुभ परिणाम मिलने वाले हैं, कहाँ पर सावधानी रखनी है, उपाय के साथ यह राशिफल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चंद्र राशि पर यह राशिफल आधारित है। तो आप सभी कर्क राशि वाले जातक जातिकाओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आपके जन्मदिन की शुभकामनाएं। यदि प्रथम सप्ताह में आपका जन्मदिन आता है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी आती है, आपको बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और आप सभी के जीवन में मंगल हो, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन के बटन को अभी दबा दें, अन्यथा आपको हमारे चैनल की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएँ शायद प्राप्त ना हो पाएँ, इसलिए सब्सक्राइब करना आवश्यक है। बात करते हैं 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख के दोपहर तक के समय की। चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे, तृतीय भाव का चंद्रमा आपके जीवन में कुछ शुभ तो कुछ अशुभ प्रभाव लेकर आएगा। आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, इन दिनों में आप किसी बड़ी बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, आपको सीखने के अनेक अवसर मिलेंगे, आप कुछ नया सीख सकते हैं जीवन में। आपके पिताजी को आर्थिक हानि हो सकती है इस समय में आप अपनी बात सामने वाले को समझा शायद ना पाए, इस वजह से आप नुकसान उठा सकते हैं और या आप सामने वाले को कन्विंस ना कर पाए अपनी बातों से, अपने ज्ञान से। आपके अंदर साहस की कमी नहीं रहेगी, छोटे बड़े भाई से प्रेम बढ़ेगा और यात्रा करने से आपको लाभ भी होगा और यात्रा करना आपको स्वयं भी अच्छा लगेगा। एक जगह पर टिकने वाले काम आप शायद ना कर पाए, विचलित हो जाए, इसलिए आप थोड़े से इधर उधर घूमते रहेंगे। आपको ऐसे काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, या जो लोग ऐसे फील्ड में हैं जिनको घूमना पड़ता है, खूब यात्राएं करनी पड़ती है, उनको धन लाभ होने की बहुत संभावना है, चाहे वह किसी भी व्यापार या कार्य क्षेत्र में हो। छात्रों को एक जगह पर पढ़ाई करना, बैठ कर टिकना मुश्किल रहेगा, वह भी विचलित होते रहेंगे बीच बीच में। 1 घंटे पढ़ाई किया, 1 घंटा इधर उधर घूमते रहे, आलस आ गया, सो गए, गेम खेलने में लग गए, बहाने बना दिए, इस तरीके से मिला जुला असर इन 3 तारीख में रहने वाला है। तो इस 3 दिनों में आपको कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे आपका दिन और बेहतर हो जाए? माँ दुर्गा की उपासना करना आपको बेहद लाभदायक रहेगा। यदि आप सभी लोग माँ दुर्गा की उपासना करते हैं इन 3 दिनों में, तो आपको बड़े ही शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं 3 तारीख की दोपहर से लेकर 4 तारीख व 5 तारीख के समय का। चंद्रमा आपके चौथे भाव में रहेंगे, इस समय में आप दानी प्रवृत्ति के रहेंगे, सुखी रहेंगे, रोग से मुक्त रहेंगे, क्षमावान रहेंगे, शेयर मार्केट या सट्टेबाजी से पैसा कमाने में आप अपना हाथ आजमा सकते हैं, लेकिन सावधानी अवश्य बरतें। आज के दिनों में आप माताजी से विशेष लगाव रखेंगे, आज आप स्त्री सुख व वासना में अधिक रुचि लेंगे, जिस कारण से शायद आप बाकी काम उतनी ही रुचि लेकर ना कर पाए। अच्छा आराम, अच्छा मित्र, अच्छा खाना, अच्छा पहनना आज आपके शौक में रहेगा। आज आप अपने जीवन में सुख पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करेंगे और सभी जो प्रयास आप कर सकते हैं वह अवश्य करेंगे। आपका जीवन साथी आज आपका भरपूर साथ देगा, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, आपका जीवन साथी आपके व्यापार में भी आपकी मदद कर सकता है। आज आप घर बदल सकते हैं, नया घर ले सकते हैं, नया ऑफिस ले सकते हैं, आज आप धन कमाएंगे भी और धन को खर्च भी करेंगे। छात्रों की शिक्षा भी बढ़िया रहेगी, पैतृक संपत्ति का फायदा आपको मिल सकता है, नौकरी व्यापार के माध्यम से विदेश यात्रा हो सकती है, या जल के माध्यम से आप धन कमा सकते हैं, या यदि आप कुछ जल के द्वारा, यदि आप जैसे कोई आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, यदि आप कोई पानी बेचते हैं या पानी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इस माध्यम से आपको लाभ हो सकता है, या आप शेक इत्यादि, मिल्क शेक जहाँ दूध और पानी का मिश्रण रहता है, वहाँ पे भी आपको लाभ हो सकता है। तो जल बेचने से जो भी चीज़ें होती हैं, ये जो भी चीज़ें बेची जाती हैं वहाँ से आपको लाभ हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक बेचने से लाभ हो सकता है, आपको जलजीरा इत्यादि बेचने से लाभ हो सकता है, यानी जो जल से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वहाँ पे आपको लाभ अवश्य हो सकता है। आज आप धन कमाएंगे, धन कमाने के नए साधन जोड़ेंगे, धन कमाने के लिए कुछ नया दिमाग लगाएंगे, नौकरी करते हैं तो भी आपको साइड बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं या आज के दिन उसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। अब उपाय जानते हैं इन दिनों में आपको क्या करना चाहिए जिससे आप सभी अशुभ परिणामों को समाप्त करके पूर्ण लाभ उठा सके इन दिनों का। आज के दिन आपको झूठ बोलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाना या पराई स्त्री के साथ संबंध बना के अपने घर की स्त्री को धोखा देना आपको बेहद नुकसान दे सकता है और आपको इसके अशुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे।
सावधानी रखें। अब बात करते हैं 6 और 7 दिसंबर की। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति शुभ कही जा सकती है। आज आप खुश मिजाज रहेंगे, आप रूप और सौंदर्य का जादू सामने वाले पर बिखेर पाएंगे। यदि कन्याएं आज किसी लड़के से मिलने जाती है विवाह प्रस्ताव को लेकर, तो उनके रूप का जादू अवश्य चलेगा। यदि आज वो लोग अपना मित्र ढूंढ रही हैं, लड़का हो या लड़की हो, तो वहां पर भी उनका काम बन जाएगा। जीवन में आप सभी सुख सुविधाएं पाएंगे। आज आप निडर रहेंगे, बुद्धिमान रहेंगे और गुप्त विद्या भी सीख सकते हैं। यदि आप कुछ एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं, तो आज आपके लिए गुप्त विद्याओं को सीखने का दिन हो सकता है या रुचि लेने का दिन हो सकता है। आज आपकी संतान आपको शुभ संदेश देगी। किसी भी प्रकार का शुभ संदेश हो सकता है, कंपटीशन में अच्छे नंबर आ जाएं, वह किसी नई नौकरी में चयनित हो जाएं, प्रमोशन मिल जाए, मनचाही जगह पर प्रमोशन हो जाए, या विदेश यात्रा के लिए अप्लाई किया हो वहां से भी हरी झंडी मिल जाए। तो कुल मिला के आज आपकी संतान आपको शुभ संदेश सुनाएगी जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। जीवन साथी के माध्यम से भी आप तरक्की पाएंगे। तो आज आपकी जो भी तरक्की होगी, जहाँ पर आप फंस जाएंगे, कुछ समझ नहीं आएगा, वहाँ जीवन साथी ही आपकी नाव पार लगाएगा। तो इधर उधर अच्छा सलाहकार ढूंढने की आवश्यकता नहीं है आपको। आपकी पत्नी ही आपकी अच्छी सलाहकार है या आपके पति ही आपके अच्छे सलाहकार है। एक बार उनको आजमा के देखिए, फायदा होगा। आज आप अपने रहस्यों को छुपा सके, आज आप अपनी योजनाओं को गुप्त रख सके, तो उन योजनाओं का लाभ अवश्य उठा पाएंगे, अन्यथा परेशानी हो सकती है। छात्रों को कंपटीशन के माध्यम से लाभ होगा। आज आप वही पढ़ेंगे जो भविष्य में आने वाला है। आज लक साथ देगा, जिसकी वजह से वही पेज खुलेगा, वही सवाल आप पढ़ना शुरू करेंगे जो आगे आने वाली परीक्षा में आपके सामने होगा। तो बेहतर समय है पढ़ाई मन लगा के करें। आज आप स्वभाव से थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं, किसी बात को लेकर इरिटेट हो सकते हैं। आज आपकी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ कर दे तो आप इरिटेट हो सकते हैं। आज यदि कोई आपको बहुत ज़्यादा छेड़े या प्यार करे, उससे इरिटेट हो सकते हैं। तो इस इरिटेट वाली जो चीज़ को दूर रखिएगा अपने पास से, और गुस्से का बिल्कुल भी प्रयोग ना करिएगा, और जितना हो सके मुस्कुराहट अपनी जबान पर जितना हो सके मुस्कुराहट बना के रखिएगा और अच्छे शब्द बोलने का प्रयास करिएगा। आज आप मान सम्मान, धन संपदा, ऐश्वर्य, वाहन सुख इत्यादि इत्यादि जितने भी सुख होते हैं, और जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उनको संतान सुख भी आज के दिन मिल सकता है या उसकी प्लानिंग हो सकती है, या कहें आज आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो कुछ आप पाना चाहते हैं। कर्म करिए, प्रयास करिए, निश्चित तौर पर वो आपको मिलेगा। व्यापार करने में थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखें, आज आपकी ईमानदारी ही आपको विजय दिलाएगी। तो व्यापार में स्थिति थोड़ी सी परेशानी दे सकती है, वो भी आपकी लापरवाही की वजह से। नौकरी के लिए समय बढ़िया है, बेहतरीन समय है, व्यापार थोड़ा संभल के करें। तो आपका पूरा सप्ताह बढ़िया है, लेकिन 6 और 7 तारीख को और बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना होगा, ना घर में, ना कुटुंब में, ना बाहर, ना इधर ना उधर। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो 1 से 7 तारीख का जो दिन है, ये 7 दिन आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन रहेंगे, खुशहाल रहेंगे और एक अच्छा आगाज होगा दिसंबर माह का आपके जीवन में। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें इस वीडियो। हरिओम, नमस्कार।